सुमसी के कदूस और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो खुदाम खुदा, खुदा बल्ला है उसकी रहमत अबदी है उसका प्यार अनोखा नराल है और वह सदा अपने लोगों के दरमियान अपने बड़े बड़े कामों को जहूर में लाता है उसका फजल हम सबों के लिए काफ़ी है और उसके फजल के वसीला से हम बरकत पाते हैं और वो बरकत जो हमारी ज़िंदगी में होती है वो खुदा का जलाल जो हमारी ज़िंदगी में होता है उसे हमें समझने की ज़रूरत है बाज दफ़ा ये होता है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते या घमंड गरूर तकबर हमारी ज़िंदगी में होता है जिसके सबब से जो हम हैं उससे हम अपने आप को कुछ आला दर्जे का बेहतर और अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं और अक्सर वेशतर ये हम इस सब से नुकसान उठाते हैं आज का जो अनुमान है वो ये है जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे जैसा समझना चाहिए यानी जो कुछ मैं हूं उससे ज़्यादा मैं अपने आप को ना समझूं, जो इख्तियार मेरे हैं उनमें से निकल कर मैं आगे ना बढूं, जो मेरी ज़िंदगी में खुदा की रहमत है जितनी बरकत है उस बरकत में रह कर मैं काम करूं, या अक्सर ये होता है कि हम बहुत सारे लोग बल्कि में ज्यादा लोग जो हैं वो ड्यूटी करने वाले हैं तो अगर कोई शख्स अपनी डिपार्टमेंट में अपने महकमा में अपने काम से बढ़कर करे और अपने उस काम से निकल कर कुछ काम करने की कोशिश करे तो क्या होता है आप जाग रहे हैं उसकी बेजती होती है क्यों उसे अफसरान ये कहते हैं कि तू जो है ना कलरक है ना क्लरक ही रह अफ़सर बनने की कोशिश ना कर ऐसा कभी हुआ है कभी ऐसा वाक्य कभी किसी ने कोई देखा है सुना है अक्सर ये होता रहता है अक्सर ये होता रहता है हम घर में भी ये होता है कि हम घर में होते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ बढ़ कर बात करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम यही कहते हैं कि अपने आप चाह असी तेरे व डें उसके मैनी ये होते हैं कि तू जहाँ तक तेरी अप्रोच है जहाँ तक तेरी तफीक है उसी में रह कर काम कर आज का जो मैसेज है वो ये है कि जैसा कोई अपने आप को समझता है और है नहीं ऐसी आदत से निकलकर जो कुछ वो है उसी में रह कर काम करे क्योंकि हम यहाँ खुदा के हजूर में हैं और ये जो आज की आबादत है या जिस तरह भी हम इबादत में जब जमा होते हैं तो हम कलीसिया से हम कलाम होते हैं तो कलीसिया में एल्डर अपने अख्तियार में रहकर काम करे वो पास्टर बनने की कोशिश ना करे और डिकन जो है वो अपने अख्तियार में जिस तरह से खुदा ने उसे चुना है वो डिकन रहे और वो डिकन रहकर काम करे और कोई मुबसर है तो वो अपने आप को पास्टर से अफजल बड़ा और बुलंदतर ना समझे मुबशर की खिदमत अपनी खिदमत है पास्टर कहानत की खिदमत कर रहा है और फिर वो पास्टर जो इंचार्ज पास्टर है वो सरदार काहिन की खिदमत कर रहा है उसको उसके अख्तियार रह कर काम करने दें और आप अपने अख्तियार में जो आप काम करने के मजाज हैं उसी में रह कर काम करें कई दफा हम अपने इख्तियार से निकल कर काम करने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठाते हैं और आज का जो अनवान है जिस बात पर हम गौर करेंगे जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे रोमियो बाब तीसरी आय पलूसुल का रोमियो के नाम ख़त उसका बारवॉँ बाब और तीसरी आयत मैं उस तफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम तो में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफ ईमान तकसीम किया है इतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे पलुसुसुल कलिसिया के साथ मुखातब हैं वो चाहते हैं कि कलीसिया की असलाह हो वो रोमियों की कलीसिया की तरबियत करना चाहते हैं और उनको ये कहते हैं कि मैं तुम से कलाम करता हूँ तुमसे ये बात करता हूँ तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कोई शख्स है जिस तरह से ईमान की कुदरत उसकी ज़िंदगी में उतरी है उस इतदाल से काम करे उससे बढ़कर ना करे इतदाल के मैनी हैं ना कम ना ज़्यादा कम रह जाएगा फिर भी पीछे रह जाएगा फिर भी वो उस तोड़े की माने जिस तरह से एक तोड़ा है उसने उसे दबा दिया है ख़त्म कर दिया है और अगर ज़्यादा काम करेगा अपने पाँव ज़्यादा फैलाएगा निकल जाएगा फिर भी नुकसान उठाएगा इतदाल के मैनी हैं मियाँ न रवि और इस बात को हमें समझने की जरूरत है और न कम ना ज्यादा जो हमारे पास है उसको हमने थामना है जो कुछ हमारे पास है उसमें रह कर हमने काम करना है घरा घरों में भी घरेलू जिंदगी में अगर हमारे पास दस हज़ार हमारी तनख्वाह है और बजट बनाएंगे या उससे हम निकल कर काम करेंगे तो क्या होगा क्या होगा जी परेशानी होगी मुश्किल होगी और हम मियाना रवि से अगर चलेंगे तो उसमें हमें नुकसान नहीं होगा इसी तरह रहानी तौर पर पलुसुल कहते हैं कि हमें मियाना रवि अख्तियार करने की ज़रूरत है जो कुछ हमारे पास है जिस तरह से उसने हमें एक तोड़ा दिया है उस एक तोड़े में रहकर काम करें पाँच तोड़े दिए हैं उस में रह कर काम करें ये नहीं कि अपनी हदों से निकल कर हम जो है वो काम करना शुरू करें कई दफ़ा ये होता है कि हम जो है इस बात को खातर में नहीं लाते गिनती की किताब में उसके बारहवें बाब में एक बहुत बड़ा वाक्य जो है वो हमारे सामने है सुनिएगा इसको हम पढ़ नहीं रहे इसलिए आप इसे खोलने की कोशिश ना करें सुनने की कोशिश करें अगर आपके पास कलम आपका आ, 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 है और आप नोट कर रहे हैं आपके पास नोटबुक है तो जल्दी जल्दी से बारवॉँ बाप शुरू से पढ़ना शुरू कीजिएगा घर में जाकर कुछ होमवर्क भी ले जाएं घर में जाकर कुछ करना जी क्यों मैं चाह रहा हूं कि आप उस तरफ़ ना निकलें इसलिए कि आपका ध्यान बट जाएगा आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी मेहरबानी से मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये बात जो मैंने शुरू की है बड़े सब्र से बड़े महीनों से इस पर मैं गौर व कर रहा था और खुदा बार बार कहता था सुना दे मैं ना बड़ा मुश्किल होएगा लोग कहेंगे और मैं बड़ी जरूरत से इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये कलीसिया की असला नसीहत और तरबियत के लिए है बारवॉँ बाप गिनती की किताब बारवाँ बाप आप इसे शुरू से पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ खुदा का बंदा मूसा जो है उसने एक शादी कर लिया और उस शादी के बाद उसकी बहन मरियम और उसका भाई हारून जो है उन्होंने इस शादी के बाद जो है कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि दर्दाना भैया एक विवाह कर लिया सो भी औरत ना और इस हिस्से को आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि उन्होंने जोई करनी शुरू कर दी बदगोई करनी शुरू कर दी और जब उन्होंने बदगोई की जब उन्होंने इस तरह से बातें की और साथ ये कहा कि बहुत बहुता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ और ये समझता है कि मैं ही खुदा का लीडर हूँ मेरे साथ भी खुदा बातें करता है इन दोनों ने यह कहा कि खुदा साढ़े नाल भी गल कर और कई दफा डिकन कहता है खुदो पादरी बहुत गल्ला करता है ओ मेरे साथ भी बातें करता है उसे पता नहीं मुझा मुझे तो बड़ी रोया आती है और उसकी रोया से उनके बेशक रोना आना शुरू हो जाए और उसके कई तरह से वो बातें कर रहा होता है और कई डिकन जो है उनके पास वाक्य ही रोया होती है और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको समझने की ज़रूरत ये है कि एक चर्च का एल्डर एक चर्च का मुबसर एक चर्च का जो डिकन है या जिसको भी पास्टर ने किसी काम के लिए मखसूस किया है वो पास्टर से बड़ा नहीं है उसको ताबेदारी में रहकर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि पास्टर के पास रोया है पास्टर के पास इंचार्ज पास्टर के पास खुदा का कलाम है उसकी आवाज़ है और जिसको लेकर वो निकला है और आप सब उस रोया की तकमील में उसके मददगार हैं अगर समझ आई है तो आमीन कह जी आप सब वो लोग जो उस रोया के साथ काम कर रहे हैं उस रोया में काम कर रहे हैं वो सब पास्टर के साथ मददगार हैं और गुज़रे दिनों में कुछ ही टाइम पहले की बात है एक बहन सेमिनरी करने के बाद परेशान थी काफ़ी साल के बाद सेमिनरी उसने की है और मेरा ए, जो है ए, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई हम बैठे हुए थे तो उसने कहा कि पास्टर साहब हमें जो है मैं बड़ी दुआ कर रहा हूँ कर रही हूँ कि खुदा मुझे रोया दे खुदा मुझे रोया दे और मैं काम करूँ मैंने कहा कि आप जिस पास्टर के साथ काम कर रही हैं उस पास्टर की रोया आप ही की तो रोया है उसी रोया की तकमील के लिए तो सब दौड़ रहे हैं और ये सारी रोया तो आप ही की है आप क्यों परेशान होती कहती आज समझ आई है आज मैं समझती हूँ कि मैं भी रोया को रखती हूँ मेरे पास रोया है जिसकी तकमील के लिए मैं कोशा हूँ और हमें इस बात को समझने जानने की ज़रूरत है अब फिर खुदा का बंदा मूसा जो है उसने शादी कर ली और उसकी शादी करने के बाद उसकी बहन उसका भाई जो है बदगोई करते हैं एबजोई करते हैं खुदा के कदम पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं और साथ ये कहते हैं कि क्या खुदा इसी से बातें करता है मेरे साथ बातें नहीं करता हमारे साथ कलाम नहीं करता और इसी से मैं लिखा है बार में बाप को अब पढ़ेंगे तो लिखा है खुदा ने सुना कि ये बहन भाई ये लोग जिनको मैंने मूसा के साथ खड़ा किया था कि ये उसके साथ मददगार हो, ये मूसा से बड़ा होना चाह रहे हैं क्या ये मूसा को इस तरह से बोल रहे हैं खुदा ने सुना और लिखा है खुदा गजबनाक हुआ खुदा को गुस्सा आया कि मैंने जिसको चुना है उसके खिलाफ बातें हो रही हैं जो मशा किया हुआ चनीदा और अलग किया हुआ बुलाया हुआ है उसके लिए ये बातें कर रहे हैं ये सब इसके छोटू जे जो इनको मुकर्र किया था कि इसके साथ मददगार करो आज वो उससे बड़ा हो और अपने आप को बड़ा कह रहे खुदा नाक हुआ मरियम को एकदम से क्योंकि औरतें ज्यादा बोल जाती हैं ना गलत तो नहीं कह दिया हाँ अच्छा तेनू बड़ी डाटी कोई जर्बा जी और कुछ ज्यादा बोल, जाती हैं और कुछ शायद ज्यादा बोल गई को हो गया ने देखा हो गया। से अगले से लिखा उसकी हाय निकल गई कहते हाय खुदा के बंदा मुसा ख्याल कर क्या हो गया है? हमारी शिफायत कर हमारे लिए हमारी मदद कर हमें जो है इस दुख से निकाल इसको कोड हो गया है और ये एक मैं बात जो करने लगा हूँ गौर से सुनिएगा अक्सर पेशतर ये होता है खादमों पर बातें करना बड़ा अच्छा लगता है हर घर का मामूल है एक दायरा ऐसा है एक कलीसिया ऐसी है उसमें खादमों के लिए तो बहुत बोला जाता है एक कलीसिया एक ऐसी है तुझी समझते गए हो जी एक कलीसिया ऐसी है जिसमें खादमों पर बहुत बोला जाता है और एक कलीसिया ऐसी है जो इबादत के बाद पादरी ते फिर लंबा तफसरा कर दिए आपको अगर पता नहीं तो पता चल जाएगा और इसी तरह से यह हुआ जब उसे कोड हो गया और एकदम से खुदा का बंदा ही कह लें क्योंकि है तो ये भी चनीदा हरून क्यों पादी साहब को तस्दीक करवा लिए हाँ जी हाँ लेकिन कम कुछ उल्टा कर गया ऐसी बहन की इसने मशवरत लिया है उसका साथ दिया है जो पास्टर की ऐब जोई कर रही है काहिन की आप जो ऐब जोई कर रही है नबी की ताहिन कर रही है उसके खिलाफ बोल रही है उसका इसने साथ दिया है इसकी हाय निकल गई कहते है खुदा के बंदा मुसा ख्याल कर हमारी शफायत कर उसे डर था कि शायद मुझे भी ना निकल जाए शायद ऐसा भी हो सकता है और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कई दफा हम अपने घर में होते हैं और बैठे बातचीत कर रहे होते हैं पास्टर पर बात कर रहे होते हैं आ, ले हूँ इन पता नहीं एनू खाना भी आ गया ही है सानू पता है जो सैकल तरद है वो पास्टर से दुआई कराते हैं कि हमें बरकत दे और पास्टर बरकत मिल जाए मोटरसाइकिल आ जाए तो गुंगना हो जाता है हाँ वो कोई ऐब है हाँ और फिर वो नहीं नहीं है तो मोटरसाइकिल गड्डियाँ वाला पादरी हो गया जी हाँ और इस तरह से या और कई तरह के मामलात में हम बातचीत कर रहे होते हैं पास्टर पास्टर के घराने पर काहिन काहिन के खानदान पर बातचीत हो रही होती है अगली बात सुखी अचानक एक फोन कॉल जो है वसूल होती है पता चलता है एक्सीडेंट हो गया फिर सब कुछ भूल कर एकदम से जो पहला फोन किया जाता है वो किसको किया जाता है किसको किया जाता है बड़े चंगे यहां हाँ ये मैंने देखा है मेरे मुशाह में ये बात हुई है मैं इस बात को जानता हूँ बहुत सारे लोगों का ये तजर्बा है कर करद कर दया एकदम पता लगता ओ अंजू नहीं पारी साहब फोन करो ओ पार साहब नी थोड़ी देर पहले आगे लाया हो पाद साहब न फोन करो सो चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के बंदा ने खुदा के हजूर हरूण के लिए मरियम के लिए शफायत की कहा खुदा तू इन पर रहम कर दे खुदा ने कहा कि चलो ठीक है मैंने रहम किया लेकिन ये सात दिन तक इसी हालत में रहेगी सातवें दिन सात दिन के बाद ये पाक और साफ हो जाएगी किसे एहसास हो जाए इसे ख्याल हो जाए और इसी तरह से ये होता है कि हम कई दफ़ा बहुत सारी खादमों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं और हमें जो है न सज़ा मिल रही होती है हम दुख कई तरह के दुख पा रहे होते हैं लेकिन उस को नहीं छोड़ दे एक शख्स की बाबत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बहुत करीब से उस शख़्स को जानता हूँ उसका काम ही है पाद्रिया के ख़िलाफ़ गाल करना मिनिस्ट्री है उसकी पूरी और केड़े केड़े पादरी ने की की कीता है ऐस हफ्ते को सब कुछ हों और उस शख्स को मैंने बार हार समझाया को मत ऐसी मनिस्टी करो मत के खिलाफ सोचा कर आज तक वो ख़वार है आज तक मैं उस शख्स को जानता हूँ मुझे उस शख्स के लिए दुख है आज तक वो ख़वार है और आज भी उसकी यही मिनिस्ट्री है के ख़िलाफ़ ही बोलना है और ज़रूरत यह है कि हम इस बात से निकलें कि खुदा के खदाम, खुदा के लोग जो चनीदा हैं बलाए हुए बरगजीदा हैं बेशक आप भी बरगजीदा हैं लेकिन वो आपके लिए आपकी क़्यादत के लिए मंतखब किए गए हैं चुने गए हैं उनकी इज्जत एहतराम किया करें यसु ने भी ये कहा था कि जो एबजोई ना करो यसु ने तो ये कहा कि आपस पुष्दी भी ना करो तुम्हें पाद्रियाँ दे दुआ हो वो तो फिर क्या हाल होगा फिर क्या होगा जी हाँ फिर जो ऐबजोई होगी इसलिए ख़याल कर ज़रूरत है जो कुछ मैं हूँ उसी में रहूँ मरियम ने हारून ने कहा खुदा हमारे साथ भी बातें करता है और अगले से में जो है खुदा ने इनके साथ बातें की बल्कि एक मीटिंग एकदम से खुदा ने एक मीटिंग कॉल की उसने कहा मूसा तू भी आ जा उसने कहा मरियम तू भी आ जा उसने कहा हरून तू भी आ जा तीनों को अलग किया और फिर हारून और मरियम से बात की उसने कहा कि तुम ये कहते हो कि क्या हम खुदा उसी से बातें करते मैं तो उसके साथ तुम में और इसमें यह फ़र्क है मैं मूसा के साथ रूब रू बातें करता हूँ कभी ऐसा हुआ है मैं उसके साथ उसको मैंने अपना दीदार कराया तूने कभी दीदार किया है हाँ उसका तो अपने के साथ अपने आप को मिला रहे ये कैसे हो सकता है उसका मियार उसका चुनाव उसकी ए, ए, जो बरगजीदगी है वो तुमसे बड़ी है तुम उसके साथ ही हो उसके साथ रह कर काम करो फिर हम एक और वाक्य देखते हैं जो ए, तवारीख की किताब में है आप नोट कर रहे हैं तो छब्बीसवें बाब की सोलवी आयत से इसको देखने की कोशिश करना छब्बीसवें बाब की सो, सोलहवीं आयत से जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ बल्कि इसको भी कोशिश करना शुरू से पढ़ना एक बादशाह है उस बड़ी छोटी उम्र में इसे ख़ुदा ने चुना है बादशाही कर रहा है बड़ा इसने काम किया है और फिर इसके बारे में लिखा है कि इसने तकबर करना शुरू कर दिया बड़ा इसे घमंड था कि मैं खुदा के लिए ये करता हूँ मैं खुदा के लिए ये करता हूँ मैंने खुदा के लिए वो किया है और वो तकबर में आ गया गरूर में आ गया और ये समझता है कि खुदा का सिर्फ मैं ही एक बंदा हुआ और ये इसको बादशाही दी गई है इसे बादशाह चुना गया है उसे बादशाह मुकर किया गया है काहिन मुकर्र नहीं किया गया एक दिन हैकल में चला गया और कहते हैं आज कर्बानी मैं चढ़ाऊंगा बादशाह है कहते हैं आज बखूर की कुरबानी मैं चढ़ाऊंगा और काहिन को सरदार काहिन को पता चला उसके साथ कोई अस्सी काहिन थे वो उसके साथ हुए काहिनों को सरदार काहिन ने कहा इसे रोको यार ये इसका काम नहीं है और वो लिखा है कि बड़े बहादुर थे उन्होंने उन्होंने बादशाह का सामना किया और बादशाह को बताया कि ये तेरा काम नहीं है ये काहिन का काम है काहिन का काम काहिन पर छोड़ दे तू अपने काम को कर उसने लिखा है वो झुंझुलाया और उसने गुस्सा किया और बखूरधन पकड़ा है कर्बानी चढ़ाने के लिए निकला है और एकदम से इसे कोड हो जाता है उस या बादशाह की बात कर रहा हूं उस या को जब कोड हो जाता है उन्होंने देखा ये अस्सी थे उन्होंने देखा और सरदार काहिन ने एकदम से कहा नुक्कड़ो है कल जो नापाक हो गया क्योंकि कोहर की बीमारी नापाक बीमारी है इसको निकालो और जब उसे भी पता चला तो लिखा है कि उसने खुद भी वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश की क्यों ये शख्स कोड़ के मर्ज में मुबतला हो गया है वजह क्या है वजह यह है कि ये काहिन की खिदमत करना चाह रहा है इसी तरह से ये होता है डीकन जो है वो काहिन की खिदमत करना चाह रहा है हो ला कलाम करना सुना बहुत आम है इन्हों पता नहीं मैं सुना सकना तू की, की सुना सकना शायद तू ही पजा छड़े हाँ और तुझे समझने की जरूरत है मुबशर परेशान है मैं किधर दरदा मुहम्ब शराम मैंने तो कभी ये कलाम सुनान का मौका ही नहीं दिता और कई दफ़ा उसके दिल में ऐसी बातें उठ रही होती हैं उसे ये नहीं पता कि खुदा ने उसे मुकर्र किया है जब वो तुझे कहेगा तू तु यहाँ आ सकता है और फिर खुदा की खिदमत कर सकता है आम ही जब तू बादशाह की तरह किया तो नुकसान उठाएगा ये कलीसिया की समझ से बिल्कुल बाला है खुदा का खादम, जो सरदार काहिन है जो इंचार्ज पास्टर है उसकी ताबे धारी में हमें रहने की ज़रूरत है बहाूर चलाना कर्बानी चढ़ाना उसी का काम है उसी को करने दें उसी का ए, ये ए, ए, उसी को ये जचता है क्योंकि खुदा ने उसे मुंतखब किया है चुना है और मकरर किया है और कर्बानी चढ़ाना काहिन का काम है और कई दफ़ा ये होता है कि हम कर्बानियाँ सारे ही चढ़ाई जा रहे ने ओह हो पार साहब थानू की पता है आज तो वो फलाने नहीं हो कलिसिया बंदा उन्होंने कहा कि तू जबरदस्त है आते अज तू शुक्र गुजारी की कुर्बानी चढ़ा शुक्र आपको मैं ये बताऊं बड़ी या छोटी हमने बनाई है हम कहते हैं जी अज्डी शुक्र गुजारी है दे गए और जब सिंगर बूंदी हमने बांटनी होती है शुक्र वो भी शुक्र है और उस दिन हम पादवी याद ही नहीं आता उस दिन मुंडा बुला लो भी दुआ कर गुजारी एक कर्बानी है कितने लोग ये समझते ये समझते हैं, ईमान रखते हैं, शुक्रगुजारी एक कर्बानी है छोटी बड़ी आपने उसे बनाया खुदा की नज़र में वो छोटी बड़ी नहीं है जो भी आप अपनी तफीक में रहकर, अपने बजट में रहकर अपनी बसात में रह कर खुदा के लिए गुजरानते हैं वो खुदा के लिए छोटा थोड़ा मामूली नहीं होता वो खुदा की नज़र में एक बड़ी कुर्बानी होती है क्योंकि आपने दिल के साथ उसको किया है ईमान के साथ उसे किया है और कलाम के मुताबिक आप खुदा की हुजूरी में लेकर आए हैं इसलिए वो कुर्बानी छोटी नहीं है मिसाल के तौर पर जो है ये ठहराया गया था कि कोई बछड़ा लेकर आना बकरा लेकर आना और फिर ये भी कहा गया था कि अगर कोई बछड़ा बकरा देने की बसात में नहीं है तो फिर वो क्या ले आए एक कबूतर ले आए एक कुमरी ले आए और कुमरी जब छोटी कर्बानी कह लो अभी जैसा कि हम समझते हैं वो चढ़ानी हो तो उस दिन जरा ना कहिन ना बुलाओ ये दस्तूर था वो भी कुर्बानी पास्टर नहीं, कहा गुजरान नहीं गुजराननी है इसमें हम गलती कर रहे हैं कलिशिया बहुत ज़्यादा इस बात में गलत जा रही है और जिस दिन वो अपने तलक से अपने जेन में उनके ख्याल है कि आज सिंगर बूंदी है पारिनू की बुलाना है और उस पर पास्टर को नहीं बुलाते पड़ोसियों के लड़के को बुला लेते हैं अभी दुआ कर दें या अपने ही चर्च के किसी डिकन को मबसर को बुला लेते हैं कि चलो ख़ैर पारी साहब की बुलाना कोई क्रबानी काहिन के बग़ैर खुदा की हजूरी में पेश नहीं हो सकती ये जान लें इस बात को समझ लें किसी भी क़र्बानी को आप जब शुक्रगुजारी की कर्बानी को खुदावन के हजूर लाना चाहते हैं तो आपके लिए काहिन का होना बहुत ज़रूरी है काहिन के बगैर ये मुमकन नहीं होगा और ये गलत जा रहा है शायद कलीसिया में सिखाया नहीं गया या कलीसिया को ये तालीम ही नहीं मिली इस सबाब से भी ये शायद ऐसा हो रहा है लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप छोटी या बड़ी आपके जहन में है आपकी बात है खुदा के नज़दीक जो भी आप हदिया शक्र दिल से लाते हैं वो बड़ी कुर्बानी होती है इस पर अगर आप सीखना चाहें तो हम बेवा की वो दमड़ियों पर बात कर सकते हैं बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ बड़े बड़े लोग अपने अपने इख्तियार में या अपने इतदाद में अपनी अप्रोच में रह कर, कर रहे हैं लेकिन वो दम्बड़ियाँ जो हैं वो उनको क्या कहा गया कि छोटी कुर्बानी यशुमसी ने उसे छोटी कुर्बानी कहा था नहीं वो बड़ी कुर्बानी होती है जो दिल से होती है इसलिए छोटी बड़ी कुर्बानी का जो ख्याल या सोच है इससे निकल कर हमें काम करने की जरूरत है जब हम पहले सहमियल को पढ़ते हैं नामे बाब की तेरहवीं आयत पर तो इसमें यहाँ एक जो है वाक्य है तेरहवें बाप को भी शुरू से ज़रूर पढ़िएगा तेरवें बाप को जब आप पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं तो ये पहले सर नामे बाप की बात कर रहा हूँ शुरू से पढ़ें तो जो है एक शख्स जो है उसके गधे गुम हो गए उसके बाप ने अपने बेटे सौल से कहा के एक नौकर साथ ले और गधों को ढूंढ कर ला और ये गधे ढूंढने निकला है और बड़ी कोशिश की है और एक इलाके में दूसरे इलाके में तीसरे इलाके में ये घूमता फिरा है अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए तलाश करने की कोशिश कर रहा है और वो जिम्मेदारी जो बाप ने दी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है और जब ये काफी बड़ी कोशिश कर चुकता है जी सुनिए बेटा आप भी ए, रजिया सुनिए जब ये बड़ी कोशिश करता है बड़ी कोशिश करता है जी पर सब आप भी सुनिए इसने बड़ी कोशिश की जब नहीं मिले दे तो इसने अपने नौकरों से कहा भाई घर न चल लिए मेरा वो मेरा बाप फिक्रमंद होगा वो के बेटे को गधे ढूंढने भेजा था अब उसे शायद ये हो जाए कि वो गधों की तो ना इतनी फिक्र करे मेरी फिक्र करनी शुरू कर देगा कि और उनमें से किसी ने मशुरा दिया कि जिस इलाके में अब हम पहुंचे हुए हैं यहाँ एक नबी है उस इलाके में सैमुअल नबी थे और एक नबी है और उसके पास जाए तो हमें पता चल सकता है हमें गधों की और जब ये प्लान हो रहा था तो ये उस इलाके की तरफ बढ़े जहाँ शैमियल है खुदा का नबी है जिससे उनको मदद मिल सकती है गधे ढूंढने में और जब वो बढ़ चल रहे हैं निकल रहे हैं उस इलाके के नज़दीक पहुँचे तो लिखा है कि बहुत सी जवान औरतें पानी भरने के लिए बाहर निकली हुई थी उन्होंने इससे इनसे पूछा कि यहाँ जो नबी है जो आ, है वो कहाँ हमें मिल सकता है उन्होंने बताया कि आज के दिन वो फला जगह मिलेगा क्योंकि उस इलाका में एक शुक्रगुजारी की कर्बानी चढ़ाई जानी है और वो लोग शुक्रगुजारी की कर्बानी त्यार करके रखे हुए हैं जब तक वो ना आए और उस कुरबानी को ब्लेस ना करे लोग खाएंगे नहीं मेहमानों को कुछ नहीं मिलेगा ये जो है ए, उसे ए, कहा जाता है ये जो है जब उसके सामने इन बात को वो रख देती हैं कि जब तक वो कुर्बानी को बरकत नहीं दे मेहमानों को खाना नहीं मिलेगा साढ़े इत की होंगे हाँ जी और चलन दो हाँ जी गए तो कर लेंगे दुआ हाँ जी और वो ये एक दस्तूर है ये एक कानून है खुदा का यह कानून है कि जब तक काहिन उस कर्बानी के लिए ब्लेसिंग ना चाहे मेहमान नहीं खा सकते वो खाना तकसीम नहीं हो सकता और यह भी बात इस बात को समझने की जरूरत है कि जब उस ब्लेसिंग को जो खुदा का खादम उस क़ुरबानी पर देता है उसके बाद वो ब्लेस हो जाती है और वो लोगों में तकसीम की जा सकती है और क्रबानी हाँ जी पादरी साहब बड़े लेट ने एडर साहब तु आए हो पढ़ दो दोबा क्यों जी पादरी साहब ਦਰੁਸਤ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਲਡਰ ਪਰ ਦਵੇ ਐਲਡਰ ਵੀ ਉਦਨ ਫਿਰ ਫੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਦਾਲਾ ਫੀਗ ਦਾ ਕੰਮੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਐਂਟੀਡੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਜ ਉਦਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ फिर वो क्या कह रहा कम ही है ना मैं भी दुआ दी। ओ, एल्डर ही पड़ा दे मुबशर ही वो कम काट है अब क्या होगा ना वो कुरबानी उस खानदान की कबूल हुई कि हो गई हाँ जी और वो एल्डर जो जिसने ये किया वो वो जो मुब्सर या डिकन जिसने वो किया उसने कलाम के मुताबिक किया सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी हाँ हाँ ये शुक्र है कि हम फजल के दौर में हैं कि हूँ एकदम कोड़ नहीं हूँ लेकिन अदालत उन्हें फड़ना है हाँ तुम्हें पादी का इंतज़ार ही नहीं किया अब क्या होता है कि ये हाल दरुस्त नहीं है जैसा जिसको ईमान के मुताबिक कलाम के मुताबिक जो उसका चुनाव है जो उसकी बरकत है जिसके लिए वो मकरर किया गया है वो उसी अपनी हद में रहकर मियाना रवि से काम करे वो कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो वो जिस तरह से मकरर किया गया है वो उसी तरह से काम करे और होता यह है कि हम गलत हो जाते हैं ہم نقصان اٹھاتے ہیں جیسا ہم اپنے اپ کو سمجھ رہے ہیں کہ خدا سا ڈی نہ پادری اسمت منالی گلاں کردا ہاں اونوں ہی بہت ہی رویا ملیو یہ ساڈے کول بھی تے رویا سانو تے روز خواب ہوندا ہے انہاں دا خواب سن کے ڈر ہوندا ہے ایسے ایسے خواب سناتے ہیں خوف ہوندا پتہ نہیں انن کی ہو جانا ہے اور انہاں نوں پھر سکھان دی ضرورت ہوندی ہے ایسے ایسے خواب ऐसी ऐसी खाब को रोया कहते हैं खाब और रोया का जो इम्तियाज़ है उसमें फर्क है ऐ भी नहीं पता लेकिन आंकड़े फिरन रहे आकड़े और ये एक ऐसी कलीशिया है जिथे तुशी जिनू वेखो सारे का नजर आ पादरी तानू नजर आने हाँ जी और जरा संभालना ही मुश्किल हो गया है काश ये कलाम की कैदोबंद में रहकर काम करें काश ये खुदा के हजूर जो चुने गए हैं जो उनको बरकत मिली है उसमें रह कर काम करें काश ये उसी में रह कर काम करें और खुदा के नाम को जलाल दें और जब वो कुर्बानी चढ़ाई जाती तो उसमें से सबसे पहला हिस्सा खुदा का निकाला जाता कभी बाइबल पढ़ी है? कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है आ? तो कुर्बानी में से पहला हिस्सा किसका निकाला जाता है आ? आ जी काहिन के लिए खुदा का हिस्सा ही है ना जी शुक्रिया आपने मदद की है तो पहला हिस्सा काहिन का निकाला जाता साढ़े पहला हिस्सा कितना निकलता मासीदा हाँ और पता नहीं ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗ ਪੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੋ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੇ ਚੜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ का वो हिस्सा जो खुदा का बनता था वो भी लोगों को बांट दिया और फिर जान गया पादरी साहब पादरी साहब ठहरो 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 हाँ जी हाँ जी की गल है और बुआ नहीं आई और भी लै जाओ और बुआ के लिए वो जो डाल रहे होते हैं वो फिर बिरयानी नहीं वरानी होंगी है सारी वरानी हा? खुदा के लिए दे दी है सारा हदिया ऐसा जो अच्छा नहीं मुनासब नहीं है वो खुदा के लिए दे दिया है। काहिन और हाबल के दरमियान क्या हुआ था एक ने हच्ची कर्बानी खुदा के हजूर गुज़रानी और वो मकबूल होगी दूसरे ने गले सले पढ़ और वो अजीब सी कुर्बानी खुदा के पास ले आया तो फिर क्या मिली थी हाँ अस एनी वीडियो देख पका के एने लोग जमा करके जे बरकत की बजाय लानत ले जाइए और अगर हमने ऐसा नहीं किया खुदा का पहले नहीं निकाला खुदा को पहले नहीं दिया तो फिर क्या मिलेगा वो बरकत मिलेगी लानत मिलेगी हाँ हुई वजह शायद कलीसिया सरफराज नहीं हो रही शायद इसी सबब से हम जो हमें मिलना था वो पा नहीं रहे क्योंकि खुदा के लिए हमारे दिल बंद है तो मामे वास्ते खुलिया होया ऐसा नहीं होगा पहला दर्जा खुदा का है पहला मुकाम खुदा का है और खुदा ने जिसको को मकरर किया है चुना है जो आपका पासबान है उसका पहला हिस्सा है और अंजील हमें ये तालीम देती है कि आपने चीजों अच्छी चीज़ों से ही अच्छी चीज़ों में अपने खादम को उसमें उसमें शेयर करो अपनी अच्छी चीज़ों में उसको शामिल करो हाँ और क्या होता है गुज़रे दिनों में मैं विजिट कर रहा था एक घर में मैं चला गया तो वो कहने लगे कि ऐसा है पादरी साहब चीज़ तो ताे पसंद ही बनाई है पर हूँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई ने मैंने कहा कि भाई लै वो छोटे छोटे ना खा खू लांगा हूँ भुख लगी है और फिर मैंने उन्हें बताया यार मैं हूं तड़ोसी हो गया वहां काश ती पहले पड़ोसी दें दे पास्टर दें दे केंद्र गल हूँ समझ आ गई है काश हम खुदा के लिए पहले निकाल लेते जब हमने अच्छा बनाया है, और ये गैर कौमों ने ले लिया अपने मौलवी नाल भेज दें कभी आपने ये नोट किया काफी लोगों का शेरे हिलता होया ये नोट किया है लेकिन कभी इसको लेने की कोशिश की है इसको लेने की कोशिश नहीं की जो खुदा का है खुदा को दे और कोशिश करें अपने आप से ना निकलें अपने आप से ना निकलें खुदा के लोगों के लिए मत बोलें सजा होती है और शायद आप इस बात को नहीं समझते आज का दिल जो दौर है वो फजल का दौर है एकदम से खुदा किसी को पकड़ नहीं लेता छोड़ देता है ਤੁਸ ਕੇ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੂਟ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇ ਮੈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਖاموش ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਐਲਡਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਨ ਡਿਕਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ हाँ जी मैं भी तो देखो ख़ादमा मैं भी खादम हूँ ये बात समझने की ज़रूरत है हर शख्स इतदाल में रहे और जो कुछ उसे मिला है जो कुछ उसके पास है उसको थामे रहे उसी में काम करे और उसी में खुदा के नाम को जलाल मिलता है हम अमाल की किताब में फिलपस को देखते हैं स्टिफनेस को देखते हैं जो पहला शहीद है ये इनका चुनाव क्या था किस लिए मखसूस किए गए थे किस किसदे पर मखसूस किए गए थे जी पार साहब तीस दो डिकन 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 मखसूस हुए थे ये और इनकी खिदमत कैसी नज़र आती है अमाल की किताब में ज़बरदस्त हैं ये डिक्गन और पास्टर को ये डिस्टर्ब करते थे हाँ आपके साथ लेकिन जो पास्टर की खिदमत है पास्टर को खिदमत करने दें और उसकी ताबेदारी में रहकर काम करें और जो कुछ हैं उसको कम ना समझें जो कुछ हैं उसको कम ना समझें और उसको कम ना होने दें और ना ज़्यादा होने दें यही खुदा के कलाम में लिखा है आए हम अपने सरखदम की हजूरी में झुकाएं दुआ मांगें और जो कुछ हैं उसी को समझें उसी में रहकर खुदा की स्थाइश उसकी तारीफ़ तमजीद करने की कोशिश करें और जानफशानी करें ताकि आप बरकत पर बरकत पाए हाल थैंक यू जीस